हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करेंगे। आज हम लोग इसका पार्ट वन करेंगे। पार्ट वन में हम लोग इस पूरे चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे कि नेशनलिज्म इन यूरोप का कॉन्सेप्ट कब और कैसे राइज हुआ। राइज मीन्स मतलब कैसे आया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन या इस चैप्टर का ओवरव्यू। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म का मीनिंग होता है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता का मतलब कि अपने देश के प्रति लोगों का जो लव है, अफेक्शन है, उसी के बारे में बात हो रही है। इन 1848, ये 1848 की बात है, फ्रेडरिक सोरियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। तो ये बात 1848 की है। जो आर्टिस्ट था उसका नाम फ्रेडरिक सोरियो है। ये फ्रेंच आर्टिस्ट है, इसने फोर प्रिंट्स बनाए थे, टोटल चार प्रिंट्स बनाए थे, चार चित्र, और उसमें उसने एक ड्रीम, एक कल्पना किया था कि पूरा वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में क्या फ़र्क है? डेमोक्रेटिक का मतलब वेयर अ रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, कॉमन पीपल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें मेन वुमेन सब होंगे। ये अलग बात है कि अलग अलग कंट्री में एज, वोटिंग एज अलग होगा। तो डेमोक्रेटिक का मतलब होता है इलेक्टेड रूलर, जिसमें कि पीपल वोट करते हैं। और रिपब्लिक का मतलब होता है उस देश का सबसे हाईएस्ट पोजीशन, वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज आल्सो अ इलेक्टेड पर्सन। जैसे हमारे कंट्री में सबसे हाईएस्ट पोजीशन राष्ट्रपति का है, प्रेसिडेंट का, तो ये एक इलेक्टेड पोजीशन है, उनका भी चुनाव होता है, तो इसको हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। तो फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में, जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट, चार प्रिंट्स बनाए और उसमें उन्होंने कल्पना किया कि पूरा वर्ल्ड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे बढ़ेगा, आगे जाएगा। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप, अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेज एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। जो फर्स्ट प्रिंट था, जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस फर्स्ट प्रिंट में यह बताया गया कि इसमें पूरे वर्ल्ड के लोग, यूरोप और अमेरिका के लोग एक साथ एक लंबे ट्रेन की तरह मार्च करते हुए एक जगह से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग शामिल हैं, इसमें सभी मेन और वुमेन शामिल हैं, हर एज ग्रुप के लोग शामिल हैं, हर सोशल क्लास के लोग शामिल हैं। सोशल क्लास का सीधा मतलब हो गया, उसमें लोअर क्लास के भी हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, अपर क्लास के भी हैं, अमेरिका के भी हैं, यूरोप के भी हैं, मेन भी हैं, वुमेन भी हैं। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। और वहाँ पर इस पिक्चर में स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिख रहा है आपको। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सभी लोग एक एक करके क्रॉस कर रहे हैं। तो यही इस पिक्चर का एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सभी क्रॉस कर रहे हैं। द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के दो हाथों में दो अलग अलग चीज है। एक में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, यानी ज्ञान का प्रकाश, मशाल है, ठीक है, वो ज्ञान के बारे में उसमें दिखाया गया है। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ मैन है, यानी कि मानव के, इंसान के, मनुष्य के अधिकारों की बात की गई है। नेक्स्ट, इन हिज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स। इस पिक्चर में अलग अलग देश के लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग शामिल हैं, और वो एक दूसरे से कैसे पता चल रहा है कि अलग हैं? तो उनके हाथों में झंडा अलग अलग है, सभी देश का फ्लैग अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनके कपड़े लिबास अलग हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि लोग अलग अलग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेशंस वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी
are the United States and Switzerland, by which this time were already nation states. जब लोग उसको पार कर रहे हैं, उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसमें दिख रहा है कि USA और स्विट्जरलैंड उस वक्त ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे. फ्रांस आइडेंटिफाइएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू. और इसमें बिल्कुल उस स्टैच्यू के एकदम पास जो झंडा है वो फ्रांस का है और वो ट्राइकलर फ्लैग है. सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग. ठीक फ्रांस के फ्लैग के पीछे जर्मनी का फ्लैग है और उस वो भी ट्राई कलर है, लेकिन उसका कलर चेंज है, वो ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग है. इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज यूनाइटेड नेशन. द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इन टू अ नेशन स्टेट्स अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1848 में जब फ्रेडरिक सोरियो ने ये प्रिंट बनाया था, उस वक्त तक जर्मनी एक देश के रूप में नहीं था. वहाँ पर अलग अलग कई क्षेत्रीय राजा और उनके अधिकार क्षेत्र थे, राज्य थे, और सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे. लेकिन वो फ्लैग वहाँ उसको कैरी किए हुए लोग, ये सब ये शो करता है कि ये अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ के लोग जो अलग अलग राज्य और राजाओं के अधिकार क्षेत्र में थे, प्रजा के थे, ये सब चाहते थे कि ये सारी प्रिंसिपैलिटीज़ एक हो जाए और एक देश जर्मनी बन जाए. तो उनकी इच्छा थी कि ये यूनिफिकेशन हो जाए. फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया द किंगडम ऑफ टू सिसिल्स लोम्बार्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी एंड रसिया. और ठीक इस जर्मनी के फ्लैग के पीछे ऑस्ट्रिया किंगडम ऑफ टू सिसिल्स लोम्बार्डी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी और रसिया के भी लोग अपने अपने फ्लैग को कैरी करते हुए ट्रेन की तरह बिल्कुल एक लाइन में कतार में होते हुए बढ़ रहे हैं उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ. फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सन्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन. इस पिक्चर में आपको ये भी दिख रहा है कि बिल्कुल अपर साइड में क्राइस्ट हैं, बिल्कुल सेंटर में, और उनके चारों तरफ एंजल्स हैं, ये संत्स हैं, और इस तरीके से ये सब लोग ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे में पूरे वर्ल्ड के लोग एक तरीके से यूनिटी दिखा रहे हैं. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमोंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. इसमें यही दिखाया जा रहा है कि ये ऊपर से क्राइस्ट संत एंजल्स जो एक देश नहीं अलग अलग कई कंट्रीज के हैं, उन सभी में यही दिखाया जा रहा है कि ये सब लोग एक्चुअली नीचे लोगों के यूनिटी को, फ्रैटर्निटी यानी भाईचारे को देख के खुश हैं और अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं. ड्यूरिंग द 19th century की बात है. नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप. यहाँ ये बताया गया कि यूरोप का जो भी राजनीतिक और मानसिक रूप से जो चीज़ें थी, यानी कि जो पहले से मोनार्की का सिस्टम चल रहा था, निरंकुश शासन चल रहा था, वो सब कुछ अब धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो गया था. पॉलिटिक्स और लोगों का सोच, मानसिक स्थिति, ये सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा था. द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेज वॉज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप. पूरे यूरोप में अलग अलग बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग राजा थे, किंग थे, और उनकी डायनेस्टी थी, यानी उनका साम्राज्य था. देश का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया कि जैसे जैसे ये 19th century लास्ट होने लगा, वैसे वैसे यूरोप के ये डायनेस्टी एम्पायर्स जो थे वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लगे और लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगे. द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेज ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप. इस तरीके से यहाँ समझाया गया
ये जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिसेज हैं मॉडर्न स्टेट का, ये धीरे धीरे चेंज होने लगा। मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट यह है कि एक सेंट्रल पावर होता है, सेंट्रल का मतलब कि केंद्रीय शासक होता है और वो पूरे देश पे शासन करता है, वो सॉवरेन होता है। सॉवरेन का मतलब कि वो किसी भी तरीके से कोई इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लेता है, ऑल डिसीजन मेकिंग उसका सेल्फ होता है। तो सॉवरेन का मीनिंग यही होता है। हिंदी में इसको संप्रभु बोलते हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो सारा डिसीजन अपने कंट्री के लिए खुद लेता है और कोई उसको इंटरनली या एक्सटर्नली प्रेशराइज नहीं कर सकता है। यही बात यहाँ समझाया गया कि एक सेंट्रल पावर होता है, वो सॉवरेन तरीके से उस पूरे कंट्री को कंट्रोल करता है, उसका एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी होता है, यानी उसका जो भी साम्राज्य है, जो भी क्षेत्र है, उसको ज्योग्राफिकली एक बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री होता है, हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और ये सब कुछ धीरे 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 यूरोप में चेंज होना स्टार्ट हो गया। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट्स। इसमें यही समझाया गया कि एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लोग अलग अलग देश के जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, जैसे ह्यूमैनिटी की बातें कॉमन हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें कॉमन हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कॉमन हैं, रिपब्लिकन आइडिया कॉमन है, सोशलिस्ट और कल्चरल वैल्यूज़ कॉमन हैं। तो वही बात यहाँ समझाया गया कि चाहे वो सिटीजंस की बात हो, चाहे वो रूलर्स की बात हो। तो इस तरीके से नेशन स्टेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जिसमें लोग अलग अलग देश के होने के बावजूद बहुत सारे जो वैल्यूज़ थे उनको कॉमन दिखने लगे और वो एक दूसरे से शेयर करने लगे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फॉर्ज थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। ये सब कुछ ऐसा नहीं था कि अचानक हुआ, इसमें बहुत समय लगा और इसमें लोगों का स्ट्रगल भी है, और इसमें लोगों के स्ट्रगल के बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी और एक देश से दूसरे देश और भी वर्ल्ड में, यूरोप में धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा, लोग को आइडिया मिलने लगा और इससे पता चलने लगा कि वो देश अलग हो सकता है, उसकी सीमाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हर जगह कॉमन हैं, जैसे किंग का शासन या फिर क्वीन का शासन, वैसे ही लोगों का अपना ह्यूमन राइट्स का डिमांड, फ्रीडम का डिमांड, इक्वालिटी का डिमांड, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, यूनिटी का डिमांड, ये सब कुछ ऐसी कॉमन एलिमेंट्स थे जो हर देश के लोग अपने देश में अपने रूलर से चाहते थे। इस चैप्टर से आपको क्या आइडिया लगेगा? चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। हमें इस चैप्टर में बिल्कुल ये आइडिया मिलेगा कि कैसे 19th सेंचुरी के यूरोप में ये आइडिया डेवलप हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता चला गया। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, पॉइंट फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इसका मतलब कि इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को बल मिला। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।